सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। This video is brought to you by United Autos. Check description for more information. Assalamu alaikum beautiful friends, my name is Arslan Ahmed and you are watching PK Bikes. So friends, aaj hum jis bike ka review karne ja rahe hain wo hai aapki demand par, kyunki mujhe niche comments bahut aate the ki Taro ka review kijiye, Waris ka review kijiye, GP1 ka review kijiye. To aapko batata chalun ki Taro aur jo Taro hai wo company ka naam hai aur usme jo variant aate hain wo ye Valentino aata hai, ye Gladiator aata hai. तो आज हम इसी तरह एक बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि वैलेंटिनो 350cc ड्यूल सिलेंडर है। आज हम इस बाइक का फुल रिव्यू करेंगे और लास्ट में बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में और लेंगे इस बाइक का थोड़ा सा रिमांड। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाए कि भी हम चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है आपके वैलेंटिनो 350cc की फर्स्ट लुक। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसके फ्रंट पर आपको डीरेल लाइट्स की ऑप्शन मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स की ऑप्शंस भी इसमें मिल जाती हैं और फ्लैट लाइट्स भी इसमें आपको मिल जाती है, जो कि इसकी खूबसूरती में जो है नुमाया किरदार अदा करती हैं। उसके साथ साथ आप अंदर देख सकते हैं, इसके सस्पेंशन वगैरह देख सकते हैं, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। ये क्वालिटी, ये चीज़ें आपको इसलिए दिखाई देती हैं कि आप हमें नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको इस बाइक की क्वालिटी कैसे लगी। नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक का ब्लैक शाइनी मड गार्ड मिल जाता है। अगर इससे नीचे आ जाएँ तो इसमें जो हमें टायर मिल जाता है उसकी अगर हम बात कर लें तो उस टायर का जो साइज़ मिलता है वो 110/70 का हमें इसका टायर मिल जाता है, 17 इंच के यहाँ पर हमें अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ इसमें जो फ्रंट पर हमें डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं और ड्यूल पिस्टन कैलिपर सिस्टम की ड्यूल ब्रेक डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, जो कि राइट पर भी मिलती है और लेफ्ट पर भी मिलती है। बैक टायर की बात कर लें तो यहाँ पर हमें 160/70 का बैक टायर मिल जाता है, जहाँ पर हमें 17 इंच के अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर बैक स्विंग आर्म की बात करें तो एलुमिनियम का आपको बैक स्विंग आर्म मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर इसकी डिस्क ब्रेक की बात करें तो सिंगल पिस्टन हैवी ड्यूटी डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपको ब्रेकिंग के लिए मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ब्रेकिंग के लिहाज से देखा जाए तो आपको 3 डिस्क ब्रेक्स आपको मिल रही हैं। एक वैलेंटिनो बाइक जो कि इटालियन बाइक है और चाइना में ये तैयार किया जाता है, लेकिन अगर हमारी ओरिजिनल बाइक की बात करें जो कि पाकिस्तान में लॉन्च होते हैं, उसमें हमें मुश्किलों से फ्रंट पर एक ही डिस्क ब्रेक मिलती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके मीटर की। इसके मीटर में आपको टैकोमीटर, डिजिटल मीटर ऑप्शन मिल जाता है, डिजिटल में आपको स्पीडोमीटर, क्लॉक, फ्यूल की जैसी ऑप्शन मिल जाती हैं, टैको आपको एनालॉग में मिल जाता है। राइट ग्रिप की बात करें तो सबसे ऊपर आपको क्रेस स्विच, नीचे हेडलाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन, नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मिल जाती है। ऊपर देख लें तो यहाँ पर आपको डिपर की ऑप्शन मिलती है, उसके साथ साथ आपको हाई एंड लो बीम की ऑप्शन मिलती है, ऑटो इंडिकेटर की ऑप्शन मिलती है। उसके अलावा ये एक 2020 मॉडल है और इस 2020 मॉडल में इन्होंने चेंज क्या किया है कि इसके जो हैजर लाइट्स का ऑप्शन एक एक्सटेंड उन्होंने दे दिया, जो कि बॉडी पर दे दिया है, इन्होंने फेयरिंग पर इसका दे दिया है। इसके अलावा इसके टैंक की बात कर लें तो 13 लीटर तक पेट्रोल आप इसमें डाल सकते हैं। लॉन्ग की बात कर लें तो 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर बाइक देने की सलाहियत रखता है लॉन्ग पर। अगर शॉर्ट की बात करें तो 20 से 25 किलोमीटर पर लीटर ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। और साथ साथ अब आपको इसकी बॉडी दिखा रहा हूँ, इसके देख सकते हैं कि इसकी बॉडी, इसके ऊपर इन्होंने टारो भी लिखा हुआ है, वायरस भी लिखा हुआ है, जीपी भी लिखा हुआ है, GP1 जो कि इस पर मैंशन किया गया है। और कितने नाम है इस बाइक के, इसको वैलेंटिनो के नाम से भी जाना जाता है, टारो के नाम से भी जाना जाता है, GP1 के नाम से भी जाना जाता है और एक और नया नाम इसको मिल गया, वायरस का। इसके साथ हम बैक लाइट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको LEDs के साथ बैक रेड लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर्स भी LEDs के साथ आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आप इसके बैक टायर की ग्रिप वगैरह भी देख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं मेन इसके इंजन की। हम आपको बताते चलूँ कि इस बाइक में हमें जो इंजन मिल जाता है वो है 350cc फोर स्ट्रोक ड्यूल सिलेंडर DOHC का हमें इस बाइक में इंजन मिल जाता है, यानी कि ड्यूल एवर्ट कैमशाफ्ट का इंजन मिल जाता है जो कि AFI टेक्नोलॉजी के साथ है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन, जहाँ पर आपको फ्यूल एवरेज काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इसके साथ साथ ही इंजन एक वाटर कूल्ड इंजन है। इसमें आपको जो इस बाइक में एग्जॉस्ट मिलता है ये इसका अपना लगा हुआ नोमा टाइप का एग्जॉस्ट है जो कि टारो ने खुद तैयार किया है। इसका जो साउंड है मैं आपको आगे जाकर चेक करूँगा। इसके अलावा एक और बेसिक चीज़ आपको बता चलूँ कि अगर आप इसमें एग्जॉस्ट चेंज करते हैं तो इसका साउंड और भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ से इंजन दिखाता जो और कुछ मजीद स्पेसिफिकेशन की बात कर लें। अगर इस बाइक की बोर की बात की जाए तो 56.5 mm का यहाँ पर हमें इसका बोर मिल जाता है। अगर इसके स्ट्रोक की बात कर ली जाए तो 52.0 mm का यहाँ पर हमें इसका स्ट्रोक मिल जाता है। कंप्रेशन रेशो की बात कर लें तो 9.2:1 का हमें यहाँ पर इसका कंप्रेशन रेशो मिल जाता है। बाइक की अगर गियर्स की बात कर लीजिए तो इस बाइक में हमें 6 गियर मिल जाते हैं, रिटर्न शिफ्ट मिल जाती है, यानी कि पहला गियर आगे लगता है, बाकी के 5 गियर जो बैक साइड पर लगते हैं। इसके अलावा पीछे आ जाए इसकी चेन गिरारी, स्विंग आर्म और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी चाइनीज़ बाइक से अच्छी देखने के लिए मिलेगी। और वैलेंटिनो और ग्लेडिएटर कुछ ऐसे बाइक्स हैं जहाँ पर आपको इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो फ्रेंड्स अभी हम बाइक की सैर करेंगे थोड़ी सी नीचे से और साथ साथ हम बात करेंगे इसकी हॉर्स पावर, टॉर्क एंड टॉप स्पीड के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे इसकी बाइक की प्राइस के बारे में। इससे पहले हम आपको इसका साउंड भी चेक कराएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चलिए इस बाइक में हमें जो हॉर्स पावर मिल जाती है वो 36.5 PHP की हमें इसकी हॉर्स पावर जो कि 7500 RPM पर मिलती है। अगर इसकी टॉर्क की बात कर ली जाए तो 30.5 Nm की हमें इसकी टॉर्क मिल जाती है जो कि 4500 RPM पर मिलती है। इसके साथ साथ अगर इसकी टॉप स्पीड की बात कर ली जाए तो इस बाइक में हमें जो टॉप स्पीड मिल जाती है वो है 160 to 165 km/h ये बाइक चलने की सलाहित रखता है। तो फ्रेंड्स अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसके साउंड को, और आपने हमें नीचे कमेंट्स करके बताना है कि अपने बाइक को आपको हमने 360 दिखाया, इसके अलावा नीचे से भी दिखाया, ऊपर से भी दिखाया। अब आपने नीचे हमें कमेंट्स करके बताना है कि आपको इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाए कि फिर हम इस बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और लास्ट में हम बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में। फ्रेंड ये तो था वैलेंटिनो 350cc का रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में। आपको बताते चलूँ इस बाइक में दो वेरिएंट आते हैं, एक सिंगल सिलेंडर आता है, एक ड्यूल सिलेंडर आता है, और फिर सीसी में भी फर्क आ जाता है। अगर जो सिंगल सिलेंडर की बात करें वो है 250cc सिंगल सिलेंडर, उसकी जो प्राइस अभी नई प्राइस आ रही है वो है 4,60,000 रुपये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो जिसका मैं रिव्यू कर रहा था ये ड्यूल सिलेंडर 350cc था, इसकी जो प्राइस है 6,75,000 रुपये है। फ्रेंड्स प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, और जो बाइक अच्छे हैं और जिनके कस्टम क्लियर वगैरह होते हैं, काफ़ी लोग नीचे मुझे भी ये भी क्वेश्चन करते हैं कि यार आप यूनाइटेड ऑटोज पर जाकर वीडियोस बनाते हैं, तो थोड़ा सा ये बता दें कि क्या ये बाइक कस्टम क्लियर होते हैं। तो आपको बताता चलूँ इनके पास जो भी बाइक होता है वो कस्टम क्लियर होता है, इलीगल ये काम करते नहीं है। कस्टम क्लियर होता है तब जाकर वो मार्केट में आता है सेल होने के लिए। जो इलीगल काम करते हैं, जो नॉन कस्टम बाइक जो है वो उसमें जो डील करते हैं उनका जो है वो छुप छुपा के करते हैं। वो फेसबुक पर आप देखेंगे आपको नंबर मिलेगा, आपको कहेंगे जी एडवांस पेमेंट कर दें, ये कर दें, वो कर दें, बस आपकी एडवांस पेमेंट ली और गायब हो गए। इस टॉपिक पर हम दोबारा फिर कभी बात करेंगे और सही डिटेल में बात करेंगे कि नॉन कस्टम पेड बाइक्स क्यों नहीं लेने चाहिए, इनको परचेज नहीं करना चाहिए, इसमें आपका क्या नुकसान है। अभी तो ये भी पता लगा कि अगर आप नॉन कस्टम पेड बाइक्स या नॉन कस्टम पेड कोई भी चीज़ यूज़ करते हो पकड़ेंगे तो पहले तो आपकी सिर्फ चीज़ जब्त होती थी, आपका बाइक जब्त होता था, तो अभी अब बंदे को भी सजा मिलेगी, बंदा भी जेल में जाएगा अगर नॉन कस्टम पेड कोई भी चीज़ यूज़ करते हुए पकड़ा गया तो। बाकी रही बात इस बाइक की, तो अगर आप इस बाइक को इंस्टॉलमेंट पर भी लेना चाहते हैं तो इस पर इंस्टॉलमेंट प्लान भी शामिल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं यूनाइटेड ऑटोज के नंबर डाल दूंगा, आप वहां पर कॉल करके अपनी मर्जी का इंस्टॉलमेंट प्लान बना सकते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए ज़रूरी यह है कि आपका रावलपिंडी में होना, या फिर आपके दो जानने वाले जो कि आपके रिश्तेदार हों, या फिर आपके जो आपकी गवाही दे या कोई दुकानदार हो
वो रावलपिंडी के रिहायशी होना लाजमी, उनके आईडी कार्ड के ऊपर रावलपिंडी का नंबर होना जरूरी है। बाकी अगर हम बात करें कि ये बाइक्स जो है ना तो ये रेप्लिका है, लेकिन फिर भी ये चाइनीज है, वैसे तो ये इटालियन कंपनी है, लेकिन तैयार सभी बाइक्स, जितने भी बाइक्स हैं, चाहे वो ओरिजिनल है या कॉपी है, सब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब चाइना में ही हो रही है। इसके अलावा आपको बता चलूँ कि अगर मैं इनको कंपेयर करूँ चाइनीज बाइक से, तो ये चाइनीज बाइक से 99% काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ है। इसके अलावा इसीलिए जो इनकी प्राइस भी है वो काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जोंगशन, लिफान, लॉन्सिन वगैरह का इस बाइक में कोई भी हाथ नहीं है, ये टारो कंपनी है। टारो कंपनी खुद अपना इंजन तैयार करती है, अपने बॉडी पार्ट्स वगैरह सब कुछ आपने देखा होगा, इसकी जो टेल है उसके ऊपर भी टारो लिखा हुआ है। तो आप इस चीज का जायजा लगा लो कि ये बाइक की जो कंपनी वो मदर है वो सिर्फ टारो है। और इन बाइक्स का ये भी सुनने में आया कि जिस फैक्ट्री में बिनाली के बाइक्स तैयार होते हैं वहां पर ही ये टारो कंपनी जो है अपने बाइक्स भी तैयार करवाते हैं। अब इससे पीछे क्वालिटी का क्या रह गया है? अगर मैं बिनाली की बात करूं और इस बाइक की बात करूं, तो इनमें जो प्राइस का फर्क है वो थोड़ा बहुत ही फर्क है। बिनाली इन बाइक से थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि बिनाली का एक नाम बन चुका है पाकिस्तान में। तो फ्रेंड्स, आप सबका इस बारे में क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो कर दीजिए लाइक, दिखा दीजिए अपना प्यार। लास्ट में आपका होस्ट अफसान अहमद आपसे इजाजत चाहेगा इस वक्त साथ के। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।